हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कारोबार चैनल में। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। मैं हर बार आपके लिए कुछ नया वीडियो लेके आता हूँ, और ये अल्ट्रोज एक्सएम प्लस से रिलेटेड है। और अल्ट्रोज के मोस्ट वेरिएंट में सेम ही चीज़ होता है, मतलब कुछ चीज़ें फीचर्स वाइज अलग होती है, लेकिन ड्राइविंग वगैरह में कॉमन ही होता है। सो आज की जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ मैं, वो डिस्कशन ये है कि डिस्कशन क्या, मैं बात ही बता ही देता हूँ कि एक भाई ने रिक्वेस्ट किया था। वो भाई नेपाल से थे, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि नेपाल के लोग भी अल्ट्रोज को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो उस भाई की रिक्वेस्ट ये थी कि उनको गियर शिफ्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि अप शिफ्ट कब करना है और डाउन शिफ्ट कब करना है। तो मैंने एक ड्राइविंग का पूरा एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देखें और आपको उससे थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि कब गियर अप करना है, कब डाउन करना है। मैं बस थोड़ा सा एक टिप्स दे देता हूँ कि जब भी आप ढलाव के ऊपर जा रहे हो, जो भी स्लोप सा होता है उस पर ऊपर जा रहे हो, तो उस टाइम गियर अप नहीं होता है, क्योंकि हमें लगता है कि गियर अप करके गाड़ी चलानी चाहिए। नहीं, उस टाइम पे गाड़ी की स्पीड कम होती है और गाड़ी की स्पीड को मतलब रेजिस्ट किया जाता है, क्योंकि स्लोप है तो थोड़ा सा गाड़ी की स्पीड को कम किया जाता है। तो उस टाइम आपको गाड़ी को पावर ज़्यादा चाहिए और स्पीड कम चाहिए, तो आप जनरली पहला गियर या दूसरा गियर पे ही हो जाता है। वो डिपेंड करता है आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है, आप कितनी स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं। तो मैं तो मतलब जनरली ये पहले गियर पे चढ़ता, लेकिन मेरा ऑफिस का जो है वो स्लोप काफ़ी हाइट पे है, तो वो दूसरे पे नहीं चलता, वो एक ही पे जाता है, ठीक है। लेकिन जो मेरा यहाँ का घर का पार्किंग किससे ऊपर का है वो थोड़ा है, तो उस पर दूसरे गियर पे स्पीड में मैं निकालता हूँ तो चला जाता है। तो ये ध्यान रखें कि जब स्लोप हो तो आपको ऊपर की तरफ जो स्लोप पे चढ़ना होता है तो गियर एक या दूसरे में ही चलानी होती है, ठीक है। जब भी गाड़ी की स्पीड बढ़ानी हो तो अपशिफ्ट करें, जब भी स्पीड कम करनी हो तो डाउन शिफ्ट करें। तो डाउन शिफ्ट करने से पहले अगर आप गाड़ी की स्पीड तेज है, मान लीजिए 4 पे, और आपको गाड़ी मतलब धीरे करनी है, तो आप डायरेक्ट गियर नहीं डाउन करते, आप पहले गाड़ी की स्पीड कम करते हैं। तो आप हल्का सा ब्रेक अप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर क्लच दबाएंगे और फिर गियर डाउन करेंगे। सो यही है, इसी से रिलेटेड वीडियो है, मैंने पूरी ड्राइविंग की वीडियो बनाई है। सो आप वो देखें, एक्सपीरियंस करें कि कब कैसे गियर चेंज किया मैंने। सो इसी के साथ, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, या फिर कोई नया वीडियो आपको किसी फीचर के बारे में जानना हो तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, अभी मैं गाड़ी रिवर्स करने जा रहा हूँ, तो रिवर्स करने से पहले गाड़ी स्टेडी पोजीशन में होनी चाहिए। गाड़ी मूवमेंट मतलब आगे की तरफ नहीं बढ़ रही हो या फिर ढलाव नहीं होता आगे की तरफ। तो रिवर्स करने का मतलब सिंपल है कि रिवर्स जब गाड़ी एकदम स्टेबल होती है तब आप ही रिवर्स की गियर एंगेजमेंट होती है, अदरवाइज गियर आवाज करने लगता है, ठीक है। तो अभी मैं गाड़ी रिवर्स कर रहा हूँ। और मैं सिर्फ सेंसर के थ्रू करता हूँ और मिरर का यूज़ करता हूँ, मैंने कोई रियर व्यू कैमरा नहीं लगाया इस गाड़ी में, ठीक है। सेंसर आवाज़ कर जाता है अगर कोई ऑब्स्टेकल पीछे पिलर या कुछ आता है तो, ठीक है दोस्तों। अब मैं आगे की तरफ लेता हूँ। सो जब भी गाड़ी आपको स्टार्ट करनी हो तो पहला गियर एंगेज होता है, ठीक है। आप डायरेक्टली दूसरे गियर से नहीं स्टार्ट करते हैं, पहला गियर के थ्रू चलाना पड़ता है गाड़ी को, ठीक है। फिर जैसे अभी पहले गियर पे ही मैं चला रहा हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊँगा और अब दूसरी गियर लगाई है मैंने और गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, ठीक है। तो ये दूसरी लॉक थी, दूसरी गियर था। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी हाइट है, तो क्योंकि अभी गाड़ी एकदम स्लो है तो मैं पहले गियर पे वापस चले जाता हूँ और पहले गियर पे मैं इसको चढ़ाऊँगा, क्योंकि ढलाव ज़्यादा है, गाड़ी को पावर चाहिए। तो आप इधर पे पहला गियर और दूसरा गियर डिपेंड ऑन योर स्पीड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने गाड़ी को शिफ्ट कर दिया सेकंड गियर पे, क्योंकि गाड़ी की स्पीड अब 20 से ऊपर है। सो गियर चेंज करने का मतलब यही है कि गियर आपकी स्पीड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होती है, कि गाड़ी को ज़्यादा पावर चाहिए और कम स्पीड में आपको कहीं चलाना है तो आप पहले गियर पे चलाते हैं। जैसे कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है तो भी आप पहले गियर पे ही चलाते हैं, तो उस टाइम पहले गियर पे ही गाड़ी चलती है, जनरली दूसरे गियर पे नहीं चलती। फिर जैसे अभी आप मेरे को 20 की स्पीड में आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं अभी सोसाइटी में हूँ, मैं ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं ले जा सकता यहाँ पे, यहाँ पे 20-25 की स्पीड रखनी होती है, तो मैं अभी सेकेंड गियर पर गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है। सो गियर अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट तभी करना होता है जब हमारे आपको जब आपको स्पीड बढ़ानी हो गाड़ी की, तो अप शिफ्ट करना होता है, जब स्पीड कम करनी हो तो डाउन शिफ्ट करना होता है, ठीक है।
वो भी स्पीड पे डिपेंडेंट है। 10 से 15 की स्पीड पे पहले गियर पे रखें आप, 20 से ऊपर की स्पीड पे जब आप जा रहे हो तो दूसरे गियर पे कर दें, ठीक है। सो 20 से 35 में आप तीसरे गियर पे कर दें। मैं अभी 20 की स्पीड पे ही चल रहा हूँ, 20-21 के स्पीड होगा अभी, तो मैं अभी दूसरे गियर पे हूँ, ठीक है। मैं जैसे ही बाहर निकलूँगा, गाड़ी की स्पीड बढ़ाऊँगा तो मैं गियर शिफ्ट करूँगा। और यही चीज़ आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे बहुत अच्छे से डिनोट करता है, अप एरो डाउन एरो के थ्री। तो जब भी आपको गाड़ी की स्पीड बढ़ानी होती है तो मतलब गियर चेंज करने का इंडिकेटर है उसमें, कि वो अप एरो आपको दिखा देगा कि आप गियर चेंज कर लें। आप जैसा कि अभी सामने देख सकते हैं, गेट पे बस रुकी हुई है और बच्ची आ रही है, तो मैं धीरे करके अभी पहले गियर पे गाड़ी करती हूँ और फॉरन मारती हूँ, और धीरे धीरे मैं निकल जाऊंगा। अभी गाड़ी पहले गियर पे, ठीक है, और मैं बड़े प्यार से अभी ब्रेकर क्रॉस कर रहा ठीक है दोस्तों। तो ये गाड़ी पहले गियर पे थी, ठीक है। अब जैसे कि मुझे गाड़ी स्टॉप करनी हो तो मैं धीरे करके स्टॉप कर दूंगा या फिर पास देनी हो। ठीक है, अभी गाड़ी पहले ही गियर पे थी। अब जैसे कि मैं रेस दे रहा हूँ, अब मुझे इंडिकेटर आ गया कि गियर अप करना है, तो अब मैं दूसरे गियर पे गाड़ी कर दी, ठीक है। अब ये दूसरे गियर पे गाड़ी चल रही है, अब स्पीड 35 से ऊपर होने चला गया है, तो मुझे गियर अप करने का इंडिकेटर आ गया। अब मैंने तीसरे गियर पे गाड़ी कर दी है, ठीक है। तो अभी गाड़ी की स्पीड जो है वो 30 से ऊपर है और तीसरे गियर पे गाड़ी चल रहा है। तो जब टर्न लेना होता है तब गाड़ी की स्पीड स्लो करनी होती है, तो आपको गियर डाउन भी करना पड़ता है। जैसे कि अभी मेरे गियर डाउन करने का इंडिकेटर आ गया है, तो मैंने वापस 2 नंबर पे कर दिया है गाड़ी, ठीक है। और अगर आपकी गाड़ी स्पीड में होगी तो आप 3 पे भी घुमा सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि गाड़ी हमेशा स्लो करके ही घुमाएं, ठीक है। तो अभी दूसरे नंबर पे गाड़ी आ गई थी, अब मैं वापस तीसरे पे जा रहा हूँ, क्योंकि रोड पे मेरे को थोड़ा स्पीड चाहिए, रोड वैसे भी थोड़ा खाली है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आगे का व्यू, किस स्पीड में गाड़ी चल रही है। ठीक है, गाड़ी तीसरे गियर पे है लेकिन आगे ब्रेकर है, तो मैं गाड़ी के ब्रेक हल्का सा अप्लाई करके गियर डाउन कर रहा हूँ दूसरा। तो गियर डाउन करने वक्त आपको गाड़ी स्लो करनी पड़ती है, और क्योंकि अभी देख लीजिए, तो अब मैं वापस पहले गियर पे आ गया हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो था, स्लो हो गया था गाड़ी, ठीक है। और यहाँ पे काम चल रहा है, तो अभी भी मैं पहले ही गियर पे गाड़ी निकाल रहा हूँ धीरे धीरे, है। और अब हो गया है गाड़ी शिफ्ट दूसरे गियर पे दोबारा। क्योंकि अभी ज्यादा स्पीड में कोई गाड़ी जा नहीं रही, तो दूसरे गियर पे ही गाड़ी चल रही है। अब गाड़ी की स्पीड 20 से ऊपर जा रही है धीरे धीरे। तीसरे पे शिफ्ट कर दिया हूँ, ठीक है। फिर ब्रेकर है, तो फिर मैंने गियर डाउन किया है, और गियर डाउन मैंने अभी दूसरे पे किया है, ठीक है। अब मैं गियर वापस 1 पे कर रहा हूँ, क्योंकि काफी स्लो गई थी गाड़ी। वापस 2 पे आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे टर्न करना है, तो मैं वो भी देख रहा हूँ आगे से, ठीक है। और अभी पहले गियर पे हैं और मैंने गाड़ी घुमा ली और दूसरे गियर पे कर दिया, ठीक है। मुझे अब टर्न लेना है, तो मैंने इंडिकेटर दे दिया है और गाड़ी अभी दूसरे गियर पे है, और मैं इसको घुमा रहा हूँ। आगे कोई गाड़ी नहीं है मेरे, तो मैं दूसरे गियर पे भी घुमा लिया इसको, और अब मैं धीरे से स्पीड देख के 3rd गियर पे मैंने कर दिया, मैं अब सीधा जा रहा हूँ।
गाड़ी अभी तीसरे गियर पे ही है और स्पीड है कुछ 38, अराउंड 38-40 बस। ठीक है, मुझे पेट्रोल पंप जाना है तो मैं गाड़ी घुमाऊंगा। गाड़ी इंडिकेट कर रहा है 4 का, तो मैंने 4 पे लगा दिया है, बट मुझे टर्न लेना है तो मैंने इंडिकेटर किया, गाड़ी की स्पीड कम की और गाड़ी का गियर भी कम कर दिया है। अभी गाड़ी तीसरे गियर पे आ गई है, बट क्योंकि मुझे स्लो डाउन करना है तो मैंने फिर से गाड़ी का गियर कम कर दिया है और अभी मैं जा रहा हूँ पेट्रोल भराना है मुझे, तो मैं इस गाड़ी के पीछे लगा देता हूँ। और ये मैंने ब्रेक मार के गियर न्यूट्रल कर दिया, तो मुझे अब रिवर्स करना होगा क्योंकि पेट्रोल भराना है। ठीक है, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। मैंने इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेट कर लिया है, तो यहाँ से भी यू टर्न ले सकते हैं, बट ऑफ साइड रॉन्ग साइड चलाने का गलती नहीं करना चाहिए, तो मैं आगे से ही टर्न लूंगा। गाड़ी अभी दूसरे गियर पे है और बड़े प्यार से चला रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं टर्न इंडिकेटर दे दिया हूँ, ऐसी गाड़ी घूमूंगा। ठीक है, अब धीरे धीरे क्योंकि आगे भी गाड़ी जा रही है। ठीक है, गाड़ी घूम रही, अभी पहले गियर पे मैं टर्न कर रहा हूँ और अब मैंने दूसरे पे कर दिया, पीछे बस है तो मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी है और अब मैं तीसरे गियर पे चला दिया हूँ। तो अभी हम गए तीसरे गियर पे और स्पीड 40-45 की है और मुझे इंडिकेटर मिल गया है कि मुझे गाड़ी का गियर अप करना है और मैंने चौथे गियर पे गाड़ी कर दी। तो अब चौथे गियर पे देख सकते हैं गाड़ी की स्पीड अराउंड 50-60 है, मतलब 50-55 के बीच में अभी। ठीक है, क्योंकि अब मुझे टर्न लेना है तो मैं गाड़ी स्लो डाउन कर रहा हूँ। चौथे गियर से अब मैं सीधा दूसरे गियर पे आऊँगा क्योंकि मैंने काफ़ी गाड़ी स्लो डाउन कर दिया है और अभी मैं दूसरे गियर पे हूँ और रास्ता थोड़ा ख़राब है तो थोड़ा सा जर्क महसूस होगा और अभी दूसरे गियर पे है गाड़ी। ठीक है, गाड़ी दूसरे गियर पे ही है और दूसरे गियर पे ही जाएगी अभी। अभी हो सकता है मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा के मैंने तीसरे गियर पे गाड़ी कर दी है, तो गाड़ी अभी तीसरे गियर पे चल रहा है। तो मैं गाड़ी यही कॉर्नर पे रोक लेता हूँ और ये मैंने गाड़ी रोक दी है, क्लच दबा दिया है और पूरा ब्रेक और हैंड ब्रेक लगा दिया है, सीट बेल्ट खोल दिया है और मैं होगी ड्राइविंग finish.